हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पवन और आप देख रहे हो इंजीनियर पवन यूट्यूब चैनल। दोस्त, आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम इस बैटरी को चार्ज करने वाले, ठीक है। तो दोस्तों, जरा सोचो आप इस बैटरी को कैसे चार्ज कर सकते हो। फिकर नॉट, मैं हूं ना आपका दोस्त। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बैटरी को चार्ज करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसे हम कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो इसे हमें एक ट्रांसफार्मर चाहिए, ठीक है। तो आपको कौन सा ट्रांसफार्मर लेना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्त, आ गया ये सबका बाप, देखो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं पहले से एक वीडियो बना चुका हूँ, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दरअसल ये ट्रांसफार्मर मैंने सबसे बड़ा जुगाड़, जो हमारा जो कॉम्बो प्रोजेक्ट जो हम बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमने ये ट्रांसफार्मर बनाया है, ठीक है। इसमें आपको कई सारे वायर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका इसके ऊपर एक वीडियो मैं पहले से बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियो देख के आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये ट्रांसफार्मर हम यूज़ करके इस बैटरी को हम चार्ज करेंगे और देखते हैं कितना एम्पीयर करंट ये लेती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा ट्रांसफार्मर जो होता है वो हमें एसी करंट देता है, ठीक है। तो हमें एसी करंट से हम बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें डीसी करंट चाहिए, ठीक है। तो फिर ट्रांसफार्मर से जो हमारा एसी सप्लाई जो आता है, तो उसे हमें डीसी करने के लिए हमें रेक्टिफायर चाहिए। तो देखो, कुछ इस टाइप से जो रेक्टिफायर जो आता है, ब्रिज रेक्टिफायर आपका, तो उसे हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये रेक्टिफायर क्या करता है, एसी पावर अगर हम इसे इनपुट देते हैं तो एसी को ये डीसी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सिंपल सा इसका वर्क है और ये काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सिंपल कनेक्शन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसा रेडीमेडली डायरेक्टली आपको ऐसा रेक्टिफायर भी मिल जाता है मार्केट में, या फिर आप डायोड का भी रेक्टिफायर बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप यहाँ पे, देखो, अगर आपको अगर ब्रिज, ये जो हमारा जो ब्रिज रेक्टिफायर है, तो अगर आपको ऐसा नहीं मिलता तो आप डायोड का भी बना सकते हो, ठीक है। जो हमारे इस तरह के जो डायोड आते हैं, देखो इस तरह से, जो 6 एम्पीयर के, या फिर इसमें अल्ट्रा फास्ट भी आते हैं, यानी UF 5408, तो वो भी डायोड आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन आप इसे डायोड यूज़ कीजिएगा, ये 6 एम्पीयर के होते हैं, ठीक है। यानी एक डायोड आपका 6 एम्पीयर का होता है, तो आप इसे डायोड भी आप यूज़ कर सकते हो, उसका भी आप रेक्टिफायर बना सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो इस तरह से आप सर्किट बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप चार ब्रिज डायोड आप यूज़ करके इस तरह से रेक्टिफायर आप बना सकते हो। जैसे आपका पॉजिटिव निकल जाएगा, जैसे आपका नेगेटिव, और यहाँ पे आप एसी सप्लाई, यहाँ पे इनपुट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इनपुट एसी अप्लाई करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अभी फटाफट से हम कनेक्शन करते हैं और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसका टेस्टिंग करके कि आखिर बैटरी कितना एम्पीयर लोड लेता है, ओके, कितने एम्पीयर से बैटरी चार्ज होती है। और अभी हम इसका कनेक्शन करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे इनपुट दे दिया है, ठीक है, देख सकते हो आप, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल और ये हमारा फेज। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सब पता नहीं है, तो इस ट्रांसफार्मर को मैंने क्यों बनाया, कैसे बनाया, इतने सारे वायर क्यों, तो आपके मन में कई सारे क्वेश्चन अभी आ रहे होंगे, ठीक है। तो इसका वीडियो आप देख लीजिएगा, तो वो वीडियो देख के आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इनपुट दे दिया है, ठीक है। फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, जो हमारा रेक्टिफायर है उसे कनेक्शन करते हैं। अब दोस्तों देखो, यहाँ पे हमारा नेगेटिव है, ओके, यहाँ से आउटपुट, और ये हमारा पॉजिटिव आउटपुट, ओके। तो ये हमने बैटरी से अभी कनेक्ट कर दिया है सीधा, और यहाँ पे अभी हम यहाँ पे एसी इनपुट अप्लाई करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स देखो, चलो फ्रेंड्स, अब मैं पहले आपको कनेक्शन पहले बता देता हूँ, ठीक है। देखो, ये जो हमने यहाँ पे जो क्रोकोडाइल क्लिप जो लगाया है, ठीक है, तो ये क्लिप हम पहले प्लस माइनस यहाँ पे हम लगा देते हैं, ठीक है, अच्छे से। तो इसके दो वायर प्लस और माइनस
देखो ये जो वायर है, देखो इस तरह से ये वायर हमने सीधा रेक्टिफायर से अभी हमने यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। प्लस यहाँ पे प्लस और ये आपका माइनस के साथ, ठीक है। इस तरह से आपको रेक्टिफायर को आपको प्लस और माइनस देख के पोलरिटी देख के आपको लगा देना है। और अभी ये जो दो जो वायर अभी बचे हैं यहाँ पे, तो ये हमारे एसी इनपुट के लिए, ठीक है। तो ये एसी हमारे इस ट्रांसफार्मर से आ रही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये हमारी 012 की टेपिंग है इस ट्रांसफार्मर में, ठीक है। आप इसका वीडियो देखोगे तो आपको सारा डाटा आपको मिल जाएगा और सारी कुछ बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा या फिर मुझे आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो, रिप्लाई नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलो हमने अभी यहाँ पे एसी अभी लगा दिया है, ठीक है। अभी सारा कनेक्शन हमने कर दिया है, ठीक है। और फ्रेंड्स हमने इनपुट यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स कनेक्शन हो जाने के बाद अब देखो मैं मीटर को यहाँ पे लगाता हूँ, मल्टीमीटर को, ठीक है। हमने इसे डीसी पे सेट कर दिया है, ठीक है। अगर आपको मल्टीमीटर चलाना नहीं आता तो इसके ऊपर भी वीडियो मैं बना चुका हूँ, उस वीडियो को देख के आप भी मल्टीमीटर सीख सकते हो, ठीक है। उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमने मीटर यहाँ पे लगा दिया है, देख सकते हो आप बैटरी का भी इतना वोल्टेज है 12.6, ओके। तो इतना भी बैटरी का वोल्टेज आपको दिख रहा है, ठीक है। देखो अभी मेंस ऑन करता हूँ, तो फ्रेंड्स देखो अभी वोल्टेज बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसका मतलब अभी बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, ठीक है। देख सकते हो आप अभी ट्रांसफार्मर अभी हमारा ऑन हो चुका है, ओके। हमने यहाँ पे एसी अप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो हमारा ट्रांसफार्मर अभी ऑन है, तो बैटरी चार्ज हो रही है। फ्रेंड्स अभी देखते हैं हम ये कितना लोड यानी कितना करंट अभी ये उठा रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो मल्टीमीटर को यहाँ से निकालेंगे, ओके। हम इस प्रॉब को यहाँ से निकाल के यहाँ पे 10 एम्पीयर पे हम यहाँ पे लगा देंगे और इसे हम इस नॉब को हम यहाँ पे सेट कर देंगे 10 एम्पीयर, ठीक है, ओके 10। देखो डीसी एम्पीयर आपका, ओके। तो अभी हमें एम्पीयर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो फ्रेंड्स ये जो है हमारा नेगेटिव, हम हमेशा एम्पीयर मीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो हमने नेगेटिव वायर हमने यहाँ से निकाल दिया, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो इसे हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, और इसे अभी हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमारा एम्पीयर यहाँ पे शो हो जाएगा, देखो, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखो आपका ये मैक्सिमम 4 एम्पीयर तक करंट ये उठा रहा है, ठीक है, देख सकते हो आप। तो फ्रेंड्स जैसे हमारी बैटरी चार्ज होती जाएंगी वैसे वैसे ये करंट ड्रॉपिंग होता जाएगा यानी कम होता जाएगा ये करंट, ठीक है। जिससे ये करंट यानी लगभग 0 ही हो गया यानी बैटरी हमारी फुल्ली चार्ज हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से ये करंट अभी कम होते होते जाएगा, जैसे जैसे बैटरी चार्ज होती जाएंगी वैसे वैसे करंट ये डिक्रीज होते जाएगा, कम होते जाएगा करंट, ओके। तो इस तरह से हमारी बैटरी चार्ज होती है, ठीक है। प्लीज थोड़ा सा लूज कॉन्टैक्ट यहाँ पे आ रहा है थोड़ा सा कनेक्शन में, तो इस तरह से हमारा करंट दिखा रहा है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारी बैटरी चार्ज होती है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स हमारा बैटरी वोल्टेज अभी 14.8 हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बैटरी अभी फुली चार्ज हो जाएंगी, लेकिन इस चार्ज होने में बहुत सारा समय लगेगा, लगभग 5-6 घंटे यहाँ पे लग सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज आप लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस तरह से वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में हम MPPT कंट्रोलर हम बनाने वाले हैं, MPPT कंट्रोलर जो कि सोलर से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो हम उसके ऊपर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फ्रेंड्स बहुत जल्दी मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।